Hello and welcome to 30 mein 30, the daily dose of B-Town, a show which gives you the day's lowdown of all the best happenings which Bollywood has to offer. Ek aisa show jahan khabrein hongi fatafat, yani ek ke baad ek 30 khabrein. To intezar kis baat ka? Let's take a look. 30 khabrein fatafat. कल रात सलमान नजर आए तेलुगु मूवी पेल्लू चूपलू की स्क्रीनिंग पर। खबर है कि सलमान इस मूवी की सक्सेस को सुनकर इसे देखना चाहते थे और इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म को हिंदी में बनाना चाह रहे हैं। देखिए सलमान को स्क्रीनिंग से बाहर निकलते हुए। 30 खबरें फटाफट। खबर है कि आलिया भट्ट और कटरीना कैफ जो फिलहाल यूएस में ड्रीम टूर पर हैं, इन दोनों की बॉन्डिंग वहां बहुत अच्छी हो गई है। इनफैक्ट दे आर लाइक अ हाउस ऑन फायर। आलिया और कटरीना की ये बॉन्डिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा पर जरूर भारी पड़ गई है। सोर्सेज की माने तो जहां सिद्धार्थ के पहले आलिया को वहां लोकल सीनरी दिखाने का प्लान था, वहीं बाद में आलिया ने कटरीना के साथ शॉपिंग का प्लान बनाकर सिड को बोर होने के लिए छोड़ दिया। 30 खबरें फटाफट। कल रात मुंबई में फिल्म आंखें 2 का प्रोमो लॉन्च किया गया, जहां नजर आए बिग बी और अरशद वारसी। फिल्म में अनिल कपूर और अर्जुन रामपाल भी हैं, मगर कल हुए लैविश इवेंट पर ये दोनों नहीं पहुंचे। फिल्म के फर्स्ट लुक को रिलीज करते हुए रखा गया एक फैशन शो और होस्ट की गई एक पार्टी। 30 खबरें फटाफट। दीपिका को कल पूछा गया कि अगर मान लिया जाए कि वो अनुष्का और कटरीना के साथ अगर एक लिफ्ट में बंद हो जाए तो वो क्या करेंगी, तो दीपिका ने बड़ी स्मार्टली जवाब देते हुए कहा कि वो हाउस खेलेंगी। जहां ये सवाल दीपिका को रणवीर के लिए पूछा गया था, वहीं दीपिका ने बात को बड़े अच्छे से घुमा दिया। 30 खबरें फटाफट। आलिया के डैड महेश भट्ट ने कह दी एक अजीब बात। उन्होंने खुद अपनी बेटी आलिया भट्ट के लिए मांगा है फेलियर। महेश भट्ट चाहते हैं कि आलिया को सिर्फ सक्सेस ही नहीं बल्कि नाकामयाबी का स्वाद भी चखना चाहिए। आलिया भट्ट की रीसेंट हिट्स के बावजूद महेश चाहते हैं कि वो अपने करियर में डाउन फेज देखें, ताकि उन्हें सक्सेस का टेस्ट और अच्छा लगे। 30 खबरें फटाफट। सलमान खान ने वादा किया है कि वो हर एथलीट को 1,01,000 रुपए कैश देंगे। अपने फेसबुक पेज पर उन्होंने एज अ जेस्टर ऑफ अप्रिसिएशन हर एथलीट को ये रकम देने का वादा किया है। उन्हें लगता है कि हर किसी को हमारे स्पोर्ट्स पर्सन के लिए कुछ करना चाहिए। साथ ही उन्होंने ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट की तारीफ करते हुए कहा कि कल के चैंपियंस को बनाने में अच्छा काम हो रहा है। 30 खबरें फटाफट। लेटर ऑन द शो, रणवीर दीपिका कहां हुए गायब? 이리아나 को कल अपने बॉयफ्रेंड के साथ किया गया क्लिक। इलियाना जो रिसेंटली रिलीज रुस्तम की सक्सेस के बाद अब हॉलिडे मूड में नजर आ रही हैं, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहां जा रही हैं कहना मुश्किल है, बट शी इज डेफिनेटली लुकिंग हैप्पी। 30 खबरें फटाफट। बिग बी नजर आए पिंक मूवी प्रमोट करते हुए। कुछ यंग गर्ल्स पर बनी इस कहानी में बिग बी दिखे हैप्पी मूड में और उन्होंने कॉलेज स्टूडेंट से हूट भी करवाया और अपने कॉलेज लाइफ के बारे में भी स्टोरीज शेयर की। 1, 2, 3 अगर बताऊंगा तो ये लोग सब कॉलेज छोड़ देंगे, क्योंकि आई वाज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी और बहुत कम हम लोग क्लासेस में जाते थे। ज्यादातर कॉफी हाउस कैंटीन घुमा घुमा करते थे और लास्ट ईयर में थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं उनको रेडी रेक्नर बुक्स पढ़ करके किसी तरह इम्तिहान पास कर लिया। बट डोंट डू दैट प्लीज, स्टडी हार्ड। आई नो दिस इज अ वंडरफुल इंस्टीट्यूशन एंड आई हैड अ ग्रेट एसोसिएशन विद इट। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड नाउ यू सक्सीड इन व्हाटएवर यू सेट टुगेदर। 30 खबरें फटाफट। जया बच्चन की परमिशन के बिना उनकी पिक्चर क्लिक करना जया बच्चन को बिल्कुल नहीं पसंद है और यही वजह है कि रिसेंटली एक इवेंट पर पहुंची जया बच्चन की जब कुछ फोटोग्राफर्स पिक्चर्स लेने गए तो उन्हें आया गुस्सा, इतना गुस्सा कि उन्होंने उनकी पिक्चर क्लिक करने वाले फोटोग्राफर्स को सबके सामने जमकर सुनाया और कहा, प्लीज स्टॉप टेकिंग पिक्चर्स, आई हेट इट बिकॉज़ इट्स राइट इनटू माय आई।
आप या तो यहाँ आ जाइए एकदम मेरे सामने बैठ के फोटो खींचो. दीज आर बेसिक मैनर्स वी इंडियंस हैव टू लर्न. जस्ट बिकॉज यू हैव अ कैमरा, यू हैव अ मोबाइल, यू हैव द फ्रीडम टू टेक एनीबडीज पिक्चर एनी टाइम विदाउट आस्किंग दैट पर्सन. These are basic educations that all colleges and schools and parents at home should teach their children. It's very annoying. I have a freedom to say no to being photographed. I'm trying to chat here. You're sitting right in front of me, clicking right into my eyes. जया बच्चन इतनी नाराज थी कि उन्होंने साफ कह दिया कि इस तरह का इनडिसिप्लिन उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है. 30 खबरें फटाफट. शुरू हुआ टाइगर दिशा का खुल्लम खुल्ला रोमांस. टाइगर श्रॉफ अपनी रूमर्ड गर्लफ्रेंड दिशा पटनी के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर होने लगे हैं ओपन. फिल्म अ फ्लाइंग जट के प्रमोशन के दौरान जब टाइगर से दिशा को लेकर सवाल किया गया तो उनका कुछ ये था कहना. आई अंडरस्टैंड दैट पीपल आर वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट द इंडिविजुअल हु इज अंडर द लाइमलाइट बट आई एम नॉट टायर्ड ऑफ आंसरिंग एंड आई विल नेवर बी. वेल सोर्सेज के मुताबिक टाइगर दिशा के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए उनके घर भी आते जाते रहते हैं और तो और खुद टाइगर ने भी ये बात एक्सेप्ट की है कि दिशा की कंपनी उन्हें काफी पसंद है. 30 खबरें फटाफट. रिसेंटली रणवीर सिंह और दीपिका पडुकोण एक साथ लौटे मुंबई, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक साथ मुंबई में लैंड करने के बाद दोनों कहीं गायब हो गए हैं. वी मीन एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने अननोन प्लेस पर गए हैं और मीडिया को चकमा देने के लिए वो अपनी कार से नहीं बल्कि किसी और के कार से गए. 30 खबरें फटाफट. अरशद को है बिग बी के साथ स्क्रीन शेयर करने की एक्साइटमेंट. आंखें 2 की लॉन्च पर पहुंचे एक्टर अरशद वारसी ने बिग बी की खूब तारीफ की. दरअसल अरशद वारसी ने बिग बी की कंपनी ABCL से अपने करियर की शुरुआत की थी. ऐसे में जब उनसे पूछा गया कि बिग बी के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करने पर उन्हें कैसा लग रहा है तो सुनिए उनका क्या था जवाब. कभी आपने ऐसा सोचा था कि एक दिन और हमने एक फिल्म की थी that was unfortunate what happened to the film but ye dusri baar mauka mil raha hai mujhe and mere khayal se it's been approximately almost about 20 years in this industry and after that I am so happy you have no idea so happy to be here I don't think any actor is complete if he hasn't shared the screen with Mr. Bachchan. That is true. 30 khabrein fatafat. ड्रीम टीम के साथ US टूर पर गए आदित्य रॉय कपूर को मिल रहा है उनकी फीमेल फैंस का जबरदस्त रिस्पांस. सोर्सेज के अकॉर्डिंग अपनी एक स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान आदित्य रॉय कपूर ने जैसे ही अपनी शर्ट उतारी द क्राउड वेंट क्रेजी. कुछ गर्ल्स तो इतनी एक्साइटेड हो गई कि बैक स्टेज जाकर आदित्य के रूम के बाहर ही खड़ी हो गई, जिसके बाद करीब एक घंटे तक आदित्य का रूम से बाहर निकलना हो गया मुश्किल. दो फैंस से मिले इस रिस्पांस से आदित्य काफी ओवरवेल्म्ड हैं. 30 खबरें फटाफट. खबरों की माने तो धोनी की बायोपिक मराठी में भी की जाएगी रिलीज. सोर्सेज की माने तो मेकर्स अक्रॉस द नेशन धोनी के फैंस को केटर करना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने ये फैसला लिया है और ये पहली ऐसी हिंदी फिल्म होगी जिसे मराठी रिलीज मिलेगी. आपको बता दें कि फिल्म का तमिल और तेलुगु ट्रेलर ऑलरेडी रिलीज कर दिया गया है. 30 खबरें फटाफट. टाइगर श्रॉफ अपनी अपकमिंग फिल्म की एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस से हो गए हैं नाराज. वेल अकॉर्डिंग टू सोर्सेज रिसेंटली टाइगर और जैकलीन को फिल्म अ फ्लाइंग जट के लिए एक साथ बैक टू बैक 4 इंटरव्यूज देने थे जो दोनों ने दिए भी, लेकिन हर इंटरव्यू के बाद जैकलीन अपनी ड्रेस चेंज करने चली जाती और जिसकी वजह से टाइगर को जैकलीन के आने तक वेट करना पड़ता. और शायद हर इंटरव्यू के बाद जैकी का वेट करना टाइगर के लिए वही रीजन बन गया जिसकी वजह से टाइगर उनसे अपसेट हो गए. 30 खबरें फटाफट.
सुनने में आया है कि कपूर फैमिली ने रणबीर, करिश्मा और करीना के अपने चेंबूर वाले घर में शांति पूजा करवानी है। जी हां, दरअसल ये पूजा पहले करिश्मा और उनके बच्चों के लिए होने वाली थी, लेकिन फिर रणबीर कपूर के करियर में आए डाउनफॉल और करीना के फर्स्ट बेबी को लेकर भी उनके घर में शांति हवन करवानी है ताकि सबकी लाइफ में सब कुछ सेटल हो जाए। 30 खबरें फटाफट। अमिताभ बच्चन ने बताया कि अक्षय कुमार क्यों नहीं नजर आएंगे आंखें 2 में। आखिर क्यों अक्षय ने नहीं किया आंखें का सीक्वल? अर्जुन रामपाल इज गोना कंटिन्यू द सेकंड सीरीज, व्हाई नॉट अक्षय कुमार? ही इज बिजी मेकिंग क्रैक। 30 खबरें फटाफट। रणबीर को फुटबॉल खेलने का कितना शौक है ये सभी जानते हैं, लेकिन अब रणबीर का ये फुटबॉल लव ऑन स्क्रीन भी नजर आ सकता है। खबर है कि सुजीत सरकार फुटबॉल पर एक फिल्म बनाना चाहते हैं और इस फिल्म में वो रणबीर कपूर को कास्ट कर सकते हैं। 30 खबरें फटाफट। अनुष्का शर्मा को पसंद नहीं है कि कोई उनसे शादी के बारे में सवाल करे। एक इंटरव्यू के दौरान अनुष्का ने बताया कि उन्हें विराट के साथ जुड़े शादी के सवाल पर क्यों गुस्सा आता है। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस फैसिनेशन एंड ऑब्सेशन विद पीपल्स मैरिजेस। हालांकि इस इंटरव्यू के दौरान अनुष्का ने ये भी बताया कि शादी करना तो चाहती हैं वो, लेकिन पर्सनल लाइफ के बारे में बात करना उन्हें पसंद नहीं है। 30 खबरें फटाफट। ड्रीम टूर के दौरान आलिया, परिणीति और आदित्य कर रहे हैं एंजॉय। ये पिक्चर परिणीति ने अपने सोशल हैंडल पर शेयर करते हुए लिखा है, शॉपिंग अक्रॉस द सिटी विद दीज टू ह्यूमंस, लव लव्स एंड कॉन्वर्सेशंस दैट मेक नो सेंस। हाहा, वेल, इस पिक्चर से अंदाज लगाया जा सकता है कि ये स्टार्स यूएसए में खूब मस्ती भी कर रहे हैं। 30 खबरें फटाफट। Coming up on the show, Ranbir Kapoor ne social media par na aane ka diya reason. Tees khabre fatafat. आलिया भट्ट ने ये खूबसूरत पिक्चर की है सोशल मीडिया पर शेयर, जिसमें आलिया और सिद्धार्थ की क्लोजनेस साफ नजर आ रही है। इस पिक्चर को सोशल हैंडल पर शेयर करते हुए आलिया ने लिखा, अ मोमेंट ऑफ क्वाइट अमिडस्ट द नॉइज। ऐसे में आलिया के इस कैप्शन ने काफी कुछ बयान कर दिया है। 30 खबरें फटाफट। शाहरुख खान कर रहे हैं अपने बेटे आर्यन के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड। ये पिक्चर शाहरुख ने सोशल मीडिया पर शेयर की है, जिसमें एसआरके नजर आ रहे हैं आर्यन के साथ। इस पिक्चर को शेयर करते हुए एसआरके ने लिखा, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजेस्ट, साय। 30 खबरें फटाफट। रणबीर कपूर का कहना है कि वो कैटरीना कैफ से मिलने उनके घर नहीं गए थे। पिछले काफी समय से ऐसी खबरें आ रही थीं कि रणबीर ब्रेकअप के बाद कैटरीना से मिलने उनके घर गए थे, लेकिन इस रूमर को क्लियर करते हुए रणबीर ने कहा है, द लास्ट टाइम आई मेट हर वाज एट द शूट ऑफ जग्गा जासूस एंड आई एम गोइंग टू मीट हर नाउ ऑन द 10th ऑफ सितंबर व्हेन वी रीस्टार्ट जग्गा जासूस। 30 खबरें फटाफट। जैकलिन का कहना है कि उन्हें वरुण के ऑपोजिट ABCD3 ऑफर हुई ही नहीं है। पिछले काफी समय से ऐसी खबरें आ रही थी कि जैकलिन वरुण के साथ ABCD3 में भी ऑन स्क्रीन रोमांस करती दिखाई देंगी, लेकिन जैकलिन का कहना है कि वो सिर्फ जुड़वा 2 में ही वरुण के ऑपोजिट नजर आएंगी। ABCD3 के लिए उनका नाम कन्फर्म नहीं हुआ है। 30 खबरें फटाफट। अरिजीत सिंह की पब्लिक अपॉलोजी का जब सलमान खान ने कोई रिस्पांस नहीं दिया, तो इस बात से मायूस होकर अरिजीत ने अब कर दिया है ऐलान कि वो सलमान खान के साथ नहीं करेंगे काम। अरिजीत ने साफ कर दिया है कि अब सलमान के लिए और उनकी किसी भी मूवी के लिए वो कभी गाना नहीं गाएंगे। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि अरिजीत के इस बयान पर सलमान का क्या रिएक्शन आता है। 30 खबरें फटाफट। र
रणबीर कपूर ने फाइनली बता दिया है अपने सोशल मीडिया से दूर रहने की वजह। रणबीर के मुताबिक वो अपनी पर्सनल लाइफ को पब्लिक करने के फेवर में नहीं है। बतौर रणबीर, आई डोंट लाइक टेलिंग पीपल आई पीड और हाउ मच सॉल्ट आई यूज इन माई फूड। 30 खबरें फटाफट। एक लीडिंग फिल्म मैगजीन को दिए गए इंटरव्यू में करण जौहर ने खुलासा किया है कि बॉलीवुड में मोबाइल्स की वजह से बहुत रिश्ते टूटते हैं। करण के इस स्टेटमेंट से लगता है कि उनको मोबाइल की वजह से कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और कहीं न कहीं करण को भी भुगतने पड़े हैं मोबाइल के साइड इफेक्ट्स। 30 खबरें फटाफट। गोविंदा पहुंचे स्पेशल जज बनकर एक डांस रियलिटी शो पर और यहां गोविंदा ने इस रियलिटी शो के बाकी जजेस के साथ की ढेर सारी मस्ती। देखने वाली बात ये रही कि जैकलीन ने गोविंदा की कंपनी को किया सबसे ज्यादा एंजॉय। 30 खबरें फटाफट। अक्षय कुमार ने कहा एक्टर्स को थैंक यू। दरअसल सलमान, सोनाक्षी, रणवीर सहित कई बॉलीवुड एक्टर्स ने अपने अंदाज में किया था अक्षय की फिल्म रुस्तम को सपोर्ट और अब उसी सपोर्ट के लिए अक्की ने इन स्टाफ का किया है शुक्रिया अदा। 30 खबरें फटाफट। रणवीर सिंह आजकल स्विट्जरलैंड की वादियों में एंजॉय कर रहे हैं। रणवीर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की है अपनी दो और पिक्चर्स। इन पिक्चर्स में रणवीर सिंह को देखा जा सकता है लेक में वेकबोर्डिंग करते हुए। लगता है रणवीर को ज्यूरिख कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया है।